हे म्हणजे आपल्या चाचाचं दुकान आहे म्हणजे नियालचे अब्बा आणि मी इकडे डेली दुकानात येत असतो म्हणजे सर्व सामान आणायला. तेव्हा चाचा बोलले की राईस सोलकरला ओळखतोस का. मी बोललो आपला मित्रच आहे. तर मी बोललो राईस सोलकर ज्या दिवस गावात येईल नाही त्या दिवस बोललो चाचांची नक्की भेट करून देईन आणि चाचानं व्हिडिओ लय आवडत त्याचे. थँक्यू. शुक्रिया. नमस्कार आप मोहम्मद फकीर सबका मेरे चैनल पर फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ. सुस्वागतम. गुड मॉर्निंग फ्रॉम साउल अलीबाग. जी हाँ, मैं अभी साउल अलीबाग में हूँ और यहाँ पर मैं विनायक सोडेकर विनायक भाई का वेट कर रहा था. सो विनायक भाई आ चुके हैं. सुबह सुबह का टाइम है, कल बहुत ज़्यादा बारिश थी, हम लोग पूरी तरह से भीग चुके थे. और हम लोग आने के बाद ना चाउल में आने के बाद यहाँ पर विनायक भाई को फ़ोन किया कि भाई कुछ देख रहने वहने का कुछ रहेगा. तो विनायक भाई ने फ़ोन किया. फ़ोन करने के बाद ना ये श्री साई समर्थ कॉटेज यहाँ पर हम लोगों को रूम मिला. यहाँ पर कभी आते रेवडंडा साइड चाउल साइड अगर आते कभी तो यहाँ पर आप लोग स्टे कर सकते हैं. सो काफ़ी अच्छा कॉटेज है ये एंड सर्विस भी काफ़ी अच्छी है इनकी एंड व्यू देख सकते हैं आप लोग. एंड अभी यहाँ पर है ना अपने साथ में विनायक भाई है और मैं इनका नंबर ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. सो आप लोग आ सकते हो. और विनायक भाई अभी विनायक भाई के साथ हम लोग यहाँ से पूरा घूमने वाले. सो विनायक भाई पहली बार अपने वीडियो में और पहली बार हम लोग सामने एक दूसरे को मिल रहे. सो काफ़ी अच्छी बात है. पहला नंबर भेटते हो. और देखो जगह जगह पे जाएंगे ना वहाँ की लैंग्वेज चेंज होती रहती है. मतलब कोली भाषा हमारी कोकनी भाषा मतलब जगह 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 पे ना लैंग्वेज चेंज होती रहती है. सो अब यहाँ से हम लोग पहले जाएंगे नाश्ता करने, है ना. तो नाश्ता करने कहाँ जाएगी, रेवदंडा जाएगी या रेवदंडाला जाऊँ. त्याच्यानंतर अपन जाऊ ते म्हणजे रेवदंडा पोर्टला, रेवदंडा बीच दाखवतो तुला. त्याच्यानंतर डायरेक्ट आपल्या गावात जाऊ कोर्लेला. ओके चालेल. सो चलो चलो चलो. सो ये भाई ने अभी अभी 350 ली है रॉयल एनफील्ड. एक से भले दो लिए थे भाई लोगों ने. और ये अपनी रानी फाइज बोरकर. तो जाते ना. ओके तो यहाँ से अभी निकलते हैं हम लोग. सुबह सुबह का टाइम है, अल्लाह का करम है कि आज बारिश नहीं है. काफ़ी अच्छी बात है आज पाउस नहीं है. कारण काल एवढा पाउस होता ना. अभी हम लोग रेवदंडा में आ चुके. आता अपन रेवदंडाला आलेलो आहोत. तर रेवदंडामध्ये असं काय खास आहे रेवदंडा अलिबागमध्ये? रेवदंडामध्ये जर तुम्ही आलात ना तर रेवदंडाचं म्हणजे अलिबागचं तुम्ही गाणं तर ऐकलंच असाल की नारली सुपारीच्या भागामध्ये आपला अलिबाग बसलाय. म्हणजे अलिबागमधील रेवदंडा म्हणजे पूर्ण अलिबागमध्येच नारली सुपारीची झाडं एवढी आहेत ना की तुम्ही जर इकडे आलात ना तर तुम्हाला इकडे फक्त नारली सुपारीच्या बागाच बागा बघायला भेटतील. जसं की तुम्ही आजूबाजूला बघताय. हा कॉलेज आहे रेवदंडाचा. रेवदंडाचा कॉलेज आहे. आम्ही कॉलेजला आहोत. अच्छा ओके. हा रेवदंडाचा कॉलेज, तिथेच विनायक भाई कॉलेजला होते. आता आपण आलो इथे म्हणजे रेवदंडा मार्केटला आणि इकडेच आपण आता नाश्ता करणार. ओके. सो हे आता रेवदंडा मार्केट आहे. रेवदंडा मार्केट इथे नाश्ता करणार आहोत आपण. इलेक्ट्रिक गाड्या पण झाले वाटते इथे. हां झाल्या. सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ चुके हैं रेवदंडा में, रेवदंडा मार्केट में. ये उमेश स्नैक्स सेंटर, यहीं पे हम लोग अभी नाश्ता करने जाने वाले. भूख बहुत ज़्यादा लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं हम लोगों ने. और अभी टाइम हो रहा है 11:30 बज रहा है. सो हम लोग जाएंगे यहाँ पर नाश्ता करेंगे. वड़ा पाव खाऊँ? ओके चल. मिसल खाऊया मिसल. आपला मालवणला फेमस आहे भजी गोल भजन. इथे सुद्धा ना रेवदंडाला ही गोल भजी फेमस आहे. कशा प्रकारे काढतात ते बघा. गोल भजी मारामारी म्हणजे मारामारी खाऊया. तीन मारामारी द्या. हां हे बघा मित्रांनो, मारामारी आलेली आहे. मिसल सारखाच एक प्रकार आहे मारामारी. तर मारामारी आता आलेली आहे. हे बघा मारामारी, त्या मारामारी आणि आणखी एक मारामारी यायची आहे. अभी देखो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये गोल भजी है जो हमारे आचरा मालवन में बहुत ज़्यादा फेमस है और रेवदंडा में भी है. और ये कांदा भजी. सो गोल भजी और कांदा भजी और बटाटा भजी, तीनों भजी लिए हैं यहाँ पर. और नाश्ता कर रहे विनायक भाई, खाने में व्यस्त. वाइज भाई खाने में व्यस्त और हम व्यस्त. तर मित्रांनो, नाश्ता करून झालेला आहे. नाश्ता आपण केला, मारामारी आपण केली, नाश्ता केला आपण, चहा पिली. चहानंतर आता आपल्याला जायचं आहे रेवदंडा फोर्टला, जायचं आहे उमेश स्नॅक्स कॉर्नर सेंटर. खूप चांगला असा चव आहे इकडचा. तर आता विनायक भाई बोलले, विनायक सोडेकर
आता आपण पहिले ना रेवदंडा फोर्टला जाऊया, भारी आहे, जाम भारी आहे, तर तिथे जाऊया आपण. एक पल के लिए ना रेवदंडा आने के बाद ऐसा लग रहा है ना कि राजापुरी और ये ग्रुप ग्राम पंचायत रेवदंडा, रेवदंडा की ग्राम पंचायत है, पारनाका है ये, पारनाका, पारनाका. तो यहाँ से अभी हम लोग रेवदंडा फोर्ट जाने वाले हैं. बीच समोर जायचा आहे, काशीद बीच पण समोर 16 किलोमीटर आहे आणि इथून आतमध्ये ना रेवदंडा फोर्ट आहे, तर आपण रेवदंडा फोर्टला जाणार अगोदर. राईट मारायचं आहे आणि पाहिजे आहे पाठीमागे. एवढाच रेवदंडा फोर्ट नाही, पूर्ण जो रेवदंडा आहे ना तो फोर्टच्या आतमध्ये आहे, पण आता बहुतेक वर्ष झालेले आहेत, बरेच वर्ष, त्याच्यामुळे तुटाफुटी झालेले आहे प्रत्येक किल्ल्याच्या. ते मी तुला दाखवतो पॉईंट पॉईंटवर घेतलं. चालेल. आता आपण मेन पॉईंट लावतो रेवदंड्याचा आणि इकडनं जवळच बीच आहे, इथून जवळच म्हणजे 1 मिनिटं पण ना लागणार. ठीक आहे, येत असतील ना, भरपूर जण येत असतील ना, संडेला येतात. प्री वेडिंग के लिए ना ये फेमस पॉइंट है, यहाँ पर ही जितने भी वीडियो शूट होते हैं ना प्री वेडिंग के लिए वो यहीं पर होते. फाइस कोई लड़की रहेंगी तो बोल, अपन प्री वेडिंग करके डालेंगे. ओके सर. अरे फाइज आड़े ना, थोड़ीफार रागा है आपल्याला, थोड़ीफार रागा है आपल्याला भेटणार आपल्याला. सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग रेवदंडा बीच पे, रेवदंडा फोर्ट, रेवदंडा बीच पे अभी हम लोग. काफ़ी अच्छा बीच है और यहाँ पर आप लोगों को बताना प्री वेडिंग के लिए मतलब फेमस बीच है ये रेवदंडा. यहाँ पर जितना भी प्री वेडिंग शूट होता है ना वो रेवदंडा में ही होता है. क्यों ना हो, कि इतना अच्छा प्लेस है ये भाई. जबरदस्त मंज जास्त पब्लिक नाही, फक्त प्री वेडिंगला येते, बाकी नाही. काशीद बीचला जर तू शनिवार रविवार गेलास ना, गोवाला कशी गर्दी असते तशी गर्दी काशीदला, मिनी गोवा काशीदला. आता आपण काशीदला जाणार आहोत ना, पण हा बीच चांगला आहे, पण इथं पब्लिक नाही येत का. अगर किसी को रील्स बनाने हो, किसी को कोई व्हिडिओ बनाना हो, किसी को प्री वेडिंग शूट करना है, सो भाई एक नंबर ऐसा प्लेस है रेवदंडा फोर्ट. अभी हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं. ओ एक नंबर. सो ये अभी हम लोग रेवदंडा फोर्ट पे आ चुके हैं. ये ऊपर से ना आपको पूरा एक नंबर, पूरे बीच का ऐसा व्यू देखने मिलेगा. तो रेवदंडा फोर्ट घूम के हो चुका है. फोर्ट घूमने के बाद हम लोग बीच पे गए. बीच भी काफ़ी अच्छा बीच लगा, मतलब ऐसा लगा नहीं था कि इतना अच्छा बीच होने वाला है यहाँ पर. मतलब बहुत से कम लोगों को शायद पता होगा ये ऐसा इतना अच्छा बीच है यहाँ पर. तर आता आपण इथून निघणार आहोत. ॲक्सेस आपली रेवदंडामध्ये पण आलेली आहे आणि त्यानंतर आता आपण इथून कोरलेला जाणार, म्हणजेच विनायक सोळेकरच्या गावी. ब्रिज आहे सालाव ब्रिज, सालाव ब्रिज, आणि सालाव ब्रिजवरून राईट मारलं ना डायरेक्ट मुरुड जंजिरा. तर आता आपण कोरलेला जाणार ना, कोरलेला ते तुझ्याच गावी. हां 23 किलोमीटर आहे काशीद बीच, 14 आणि कोरले फोर्ट आला, म्हणजे किल्ला 2 किलोमीटर आहे ना. मित्र पण आलेला आहे पायी फोर्ट, तिथून आपण ना फोर्ट वरती जाणार आहोत. दिसतं बघ तुझा गाव.
शक्य सुंदर असा आपला गाव आहे, कोकणातील सुंदर असा कोरले गाव। आणि आज आपण फर्स्ट टाइम आलेलो आहोत कोरलायला। तो देखो हम लोग आए हैं कोरले में आए, और कोरले में भी अपने सब्सक्राइबर है, अपने वीडियोस देखते हैं, सो काफी अच्छी बात लगी। क्या नाम? वजीर चाचा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छे हो ना? अल्हम्दुलिल्लाह, तुम कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है तुम्हारी, अल्लाह करम है। वीडियोस अच्छे लगते हैं ना? बहुत अच्छे लगते हैं, हम बहुत मजे से देखते हैं। खासकर जो रमजान का जो आपने जो वीडियो बनाया था, जो शहरी को उठाने वाला, बहुत एंजॉय किया, और सबको मैं बहुत इससे दिखाता था बोला ये, और फिर आपके बहुत से वीडियोस हम याद से देखते रहते थे। अच्छा, शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक आपको, बहुत बहुत ये हमारा विनायक है। हाँ। ये भी हमारा बहुत अच्छा बच्चा है, इसके भी वीडियोस काफी पॉपुलर है आजकल, ट्रेंडिंग पे है आजकल। ट्रेंडिंग पे है, यस, तुम्हारे भी ट्रेंडिंग पे है, और भी तुम्हारे बहुत से यूट्यूबर है, उनके हम लोग देखते रहते हैं माशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक इस सब चीजों के लिए, जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह जज़ाए खैर दे आप लोगों को, आमीन। मित्रांनो, हे म्हणजे आपल्या चाचाचं दुकान आहे, म्हणजे नियालचे अब्बा। आणि मी इकडे डेली दुकानात येत असतो, म्हणजे सर्व सामान आणायला। तेव्हा चाचा बोलले की राईस सोलकरला ओळखतस का? मी बोललो आपला मित्रच आहे। तर मी बोललो राईस सोलकर ज्या दिवस गावात येईल ना, त्या दिवस बोललो चाचांची नक्की भेट करून देईन। आणि चाचाना व्हिडिओ लय आवडतं त्याचे। थँक्यू, शुक्रिया। काफी अच्छी बात लगी की थँक्यू वेरी मच, हर कोने में, दुनिया के हर कोने में, मतलब अपने वीडियोस देखना लोग पसंद करते, सो ये काफी अच्छी बात है। कहीं ना कहीं यही अपनी मेहनत सफल है कि लोग अपने वीडियोस देखना पसंद करते हैं। हाँ, इस मीडिया से आदमी एक दूसरे से क्लोज आ जाता क्लोज आता है। अभी जैसा कि आप लोग हैं, आप कहाँ से? रत्नागिरी से। वैसे हम लोग भी रत्नागिरी का, आपका एक ब्लॉग देखा था हमने, इधर आए थे आप लोग, दाबोल आए थे। दाबोल के करीब हमारा एक गांव है छोटा सा, कोलथरे करके, कोलथरे। हाँ, मालूम है, मालूम है। हम लोग खास, हमारा गांव वही पे है। अच्छा। कोलथरा मालूम है, हम लोग साल में जाते रहते हैं, तो वहाँ का भी आपका एक वीडियो देखा था, दाबोल शाही मस्जिद का देखा था। फिर वहाँ से आप लोग इससे आए, जंगल जेटी से भी आपका, मतलब हम लोग का चलते ही रहते हैं माशाल्लाह। थैंक यू, मिलता हूँ फिर। हाँ, मतलब सुकून लग रहा है ना फाइज यहाँ पे, मतलब आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है ना, सुकून है कोरले गाँव में। हाँ, मोहल्ला है। हाँ, मोहल्ला है का? आणि मोहल्ल्यात जास्त करून ना, आणि इकडे गेलात ना तर इकडे आगरी लोक राहतात, आणि इकडे कोली लोक राहतात। कोली लोक आगरी म्हणजे ह्या इथे ना, म्हणजे सर्व जातीचे लोक राहतात, सर्व जाती धर्माचे लोक आहेत, ख्रिश्चन, मुसलमान, आगरी, कोळी, सर्व जाती धर्माचे लोक आहेत कोरलेला, आणि एकजुटीने राहतात। हेच पाहिजे खरं म्हटलं तर। आता घरी जाऊया ना? ओके, चल आता। यहां से अंदर है ना विनायक भाई का घर है, तो कभी आते विनायक भाई के यहाँ पे तो जरूर आओ। पैशन, और ये विनायक भाई की पहली पैशन। देखो, अपने काम से प्यार होना चाहिए। गोप्रो इस पे लगाया विनायक भाई ने, 9011 विनायक भाई की गाड़ी है। पैशन, और पैशन के बाद ये फिर अपनी क्लासिक रॉयल एनफील्ड पैशन। तो अभी हम लोग विनायक भाई के घर पे आ चुके हैं, और यहाँ पर अभी आने के बाद आप लोगों को सामने का सीन दिखाता, और सामने आप लोग देखो कोरले फोर्ट है, देखो, और सामने समंदर ऐसा व्यू। मतलब जब विनायक भाई सुबह सुबह उठते रहेंगे ना, बाहर आते ही साथ समंदर देखते रहेंगे। थोड़े लाव ले लेते बघा, तरी किती वेळ लागते सुको हे सुकण्यासाठी? 2-3 तास लागत असेल। 2-3 तास? हां। काल काय झालं असेल मग? काल पाऊस होता ना? काल पाऊस होता, काल नाही सुकवलेले। अशा प्रकारे हे सोडे काढतात, म्हणजे तुमच्याकडे जास्त प्रमाणात भेटतं का विनायक? हे कोलंबी सोडे कसे काढतात, सोडे कसे सुकवतात ते तुम्हाला मी दाखवलं, आणि आपल्या बरोबर विनायक सोडेकर, सोडेकरांचे सोडे, ओरिजिनल सोडे, ओरिजिनल सोडे। लाईक करा, फॉलो करा। हे सर्व आहेत ना, आता याला खली म्हणतात, खली म्हणतात, सिमेंटचे प्लॅटफॉर्म आहे ते, याला आमच्या कोळी भाषेमध्ये खली म्हणतात, खली। आणि याचा वापर करतात, तो म्हणजे जवळा असतो ना जवळा, तो जवळा वाळवण्यासाठी याचा वापर केला जातो, म्हणजे इथे सुकवतात। हा, आणि जेव्हा जवळा येतो ना, तेव्हा एवढा येतो ना की याच्यावर घालून पण तो शिल्लक राहतो, कधी कधी 2-2 टायमाला येतो दिवसात जवळा। समोर आपल्या
ला बीच आहे, लेफ्ट साइड ला आणि राइट साइड ला फोर्ट आहे। नजारा बघा, व्ह्यू बघा तुम्ही, किती चांगला असा व्ह्यू आहे। म्हणजे फोर्ट वरती जायला खूप असं चांगला रोड आहे इथे। म्हणजे कोर्लईपासून इथे गावातनं हा रोड येतो, एकच रोड आहे का यायला? एकच रूट आहे कोर्लईला यायचं आणि फोर्ट वरती यायचं, एकच रूट आहे। हे बघा मित्रांनो, वरती आहे ना ते फोर्ट आहे, लाइट हाऊस। लाइट हाऊस से आप लोग अभी सीन देखो, व्यू देखो, एक नंबर ऐसा व्यू है ये। ये 350 चलाई, काफ़ी अच्छी बाइक है। मेरे को लगता है मुंबई से कोकान अगर इस पर टूर किया जाए ना तो काफ़ी अच्छा एक सफ़र होगा। सो विनायक भाई ने यहाँ पर अपने को रॉयल इनफील्ड की राइड दिया और करंजा में प्रणीत कोहली, प्रणीत भाई ने हार्ली डेविडसन की दी। सो ये हमारी जो यूट्यूबर की टीम है ना, सब एक दूसरे से ना मिलकर काफ़ी अच्छे हैं। सो अभी जाएंगे विनायक भाई के घर पर एंड खाना खाएंगे। और टाइम अभी मतलब 1:50 हो रहा है, सो जाके पहले हम लोग खाना खाएंगे। ना कल विनायक भाई ने एक फोटो सेंड किया था कि भावा तुझा सा टीम सुरमय अन लिया है, तो सुरमय की फ्राई यहाँ पर है। सुरमय की फ्राई के बाद झिंगे, हाँ कोलंबीचा काड़न, मतलब झिंगे का सालन, झिंगे का सालन। और सुरमय ना, ये सुरमय बहुत ज़्यादा बड़ी सुरमय, मतलब तवर बोल सकते हैं आप लोग इसको। सो तवर, झिंगे का सालन, राइस, नींबू एंड अपने साथ में फाइज भाई और विनायक भाई। चलिए शुरू करते हैं। सो बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्ला शुरू करते हैं। हम लोगों का ना खाना खा के हो चुका है, विनायक भाई अभी भी खाना खा रहे हैं, फाइज भाई अभी भी खाना खा रहे हैं। टेस्ट है ना टेस्ट, मतलब थोड़ा तीखा है तो बोले कि तिक्कट झाला असेल, मतलब तिक्कटच आवडते आम्हाला, आम्ही पण कोकणीच। तो झिंगे का सालन काफी अच्छा, कोलंबीचा काय म्हणतात, कांजी खूप चांगली होती। आणि त्याच्यानंतर सुरमय फ्राय, सुरमय फ्राय ना मला लय आवडली खरंच, म्हणजे पोट भरून जेवला होता। आता इथून ना जेवल्यानंतर आपण जाणार आहोत काशीतला, एक फेरफटका मारून आपण येणार आहोत त्याच्यानंतर। चला की झिंगा मेरा फेवरेट है, फिर विनायक भाई बोले की झिंगा मेरा भी फेवरेट है, मतलब दोनों का झिंगा बहुत फेवरेट है। देन उसके बाद फिर कल अपने लिए सुरमय फ्राई लाई थी, और सुरमय फ्राई ना अपने लिए इतनी अच्छी लगी ना भाई, मतलब खाना मतलब ऐसा लगा कि घर पे ही खाना खा रहे थे हम लोग। सो काफी अच्छा टेस्ट था। देन अभी हम लोग खाना खाने के बाद विनायक भाई कहाँ जाने वाले? आता आपण जाणार होते म्हणजे काशीत बीचला। काशीत बीचला, ओके सर। आता आपल्या बरोबर असणार आहेत इकडचे आणखी एक आहे ना तुमचं मित्र शादाब भाई। तर शादाब भाई आपने बहुत सारे व्हिडिओज मध्ये देखा रहेगा। सो अभी शादाब भाई, विनायक भाई, फाईज भाई, राहित भाई, राईड विथ राहित सोलक ब्लॉग्स। चालो चालो चालो, आता आपण कोर्लेला आहोत आणि कोर्लेची आपली स्टोरी बघून ना, सुमित डोंगरे या संस्कार स्पोर्ट्स के सुमित डोंगरे मिस्टर 360 ते पण कोर्लेलाच आहेत। ते बोलले की किधर आहे, मला कोर्ले में हो, तो बोलते मैं भी कोर्ले में हूँ। सो मिल मेरे को, देखो लोकेशन भेजता हूँ। तो भाई ने मेरे को लोकेशन भेजे, तो अभी भाई अपने को मिलने वाले सुमित डोंगरे 360 टेनिस क्रिकेट के बेताज बादशाह। विनायक भाई मुझसे पहली बार ही मिलने वाले सुमित डोंगरे से। तो हे सर्व इतना खूब कमी बघायला भेटते ना विनायक,